हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। ये आपका एडिटोरियल लिखा गया है भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था से संबंधित। तो देखेंगे कि आखिर अभी किस संदर्भ में लिखा गया है, भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां क्या क्या रही हैं अभी तक, उसे भी देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। भारत के लिए इसरो का क्या महत्व है, इसे भी जानेंगे। और अंतरिक्ष कार्यक्रम के समक्ष हमारे सामने क्या चुनौतियां रहती हैं, उसे भी देखेंगे। और अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी है भारत, इसे भी देखेंगे। और अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग की संभावनाएं क्या हैं, उन्हें भी देखेंगे। उस समय निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस पार क्या है, जा रहे हैं जिस पथ से युग कल्प, उसका छोर क्या है, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा है, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा है। तो सभ्यता की शुरुआत से ही मानव अंतरिक्ष की रोमांचक कल्पनाएं करता रहा है। इन रोमांचक कल्पनाओं में अंतरिक्ष कभी अध्यात्म का विषय बना तो कभी कविताओं और दंत कथाओं का, पारलौकिकतावाद से प्रभावित होकर कभी मानव ने अपने कल्पना के स्वर्ग और नरक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए, तो कभी मानवतावाद के प्रभाव में आकर पृथ्वी को केंद्र में रखा और अंतरिक्ष को उसकी परिधि मान लिया। धीरे धीरे जब सभ्यता और समझ विकसित हुई तो मानव ने अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने के लिए प्रेक्षण यंत्र बनाए, जिसमें आपकी दूरबीन प्रमुख थी। इसके बाद प्रारंभ हुआ विज्ञान के माध्यम से अंतरिक्ष को समझने का प्रयास। इस क्रम में आपके आर्यभट्ट से लेकर गैलीलियो, कॉपरनिकस, भास्कर, न्यूटन तक प्रयास होते रहे। न्यूटन के बाद आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का विकास होता है, जो आज इतना परिपक्व हो गया है कि हम मानव को अंतरिक्ष में भेजने के साथ अंतरिक्ष पर्यटन, अंतरिक्ष कॉलोनियां बसाने की भी संकल्पना करने लगे। आप उसी तरह से ले सकते हैं इसे कि जिस तरह से आप लोग घूमने के लिए जाते हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर, कि या फिर कोई तीर्थ स्थल हो गया या फिर कोई घूमने लायक जगह, फिर आप सोचें कि वहीं आप लोग कॉलोनी बसाकर रहने लगे, तो यही वही अवधारणा है। तो अंतरिक्ष में पर्यटन भी होने लगा है और अंतरिक्ष कॉलोनियां भी, यानी कि बसने की जगह भी कल्पना की जा रही है इसकी। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष तकनीक, उसके अनुप्रयोगों का विकास करना है। भारत ने जब अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो कई विकसित देशों ने इसका मजाक बनाया था, परंतु भारत ने अपने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता प्राप्त की और आज वह श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीकी वाले देशों की कतार में शामिल हुए। तो आपने देखा होगा, आप कभी कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके पड़ोसी जो होते हैं वो आपको मजाक उड़ाते हैं, इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो कई देशों ने बोला कि ये एक साथ लेकर नहीं चल पाएगा सबको, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, सिख, ईसाई, जैन, तो इस बोले इतने धर्मों को लेकर भारत साथ में नहीं बढ़ पाएगा आगे। तो देख रहे हैं हम लोग आज भी एक साथ चल रहे हैं, तो ये तो चुनौती है, उसे स्वीकार करना चाहिए, दिखा देना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और आज आप देख रहे होंगे कई विदेश, यानी कि कई देश हमारे यहाँ अपने उपग्रह भेजते हैं और हमारे यहाँ से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो भी तकनीकी है बड़ी सस्ती है। और आपने देखा होगा मेडिकल क्षेत्र में भी, यानी कि इलाज करवाने के लिए भी हमारे यहाँ कई लोग आते रहते हैं भारत में, क्योंकि हमारे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था भी बहुत सस्ती है।
बात करते हैं भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की। भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने हालिया वर्षों में ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की हैं जिसने अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी कहे जाने वाले अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी चौंकाया है। 20 जनवरी 2020 को बेंगलोर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स IAA और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI के पहले सम्मेलन में इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्धमानवीय महिला रोबोट बेओमित को लॉन्च किया है। 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी कि ASAT से 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि अब देखिए, आप सोचिए कि अब आमने सामने की लड़ाई तो मुश्किल से होगी किसी भी देश के बीच। अब जिसकी अंतरिक्ष में ताकत जितनी अधिक होगी उसी देश को उतना अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। अब किसी देश ने ऊटपटांग काम किया और उसने लेकर उसके जो भी उपग्रह ऊपर हैं उन्हें खत्म कर दिया सैटेलाइट को, तो हमारे भारत ने भी ये क्षमता प्राप्त कर ली यानी कि हम भी किसी के भी सैटेलाइट को मारकर गिरा सकते हैं यानी कि नष्ट कर सकते हैं उसे, ठीक है। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम भी है। 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV-MK3 लॉन्च किया। यह अपने साथ 3136 किलोग्राम का सैटेलाइट GSAT-19-7 लेकर गया। इसके पहले 2300 यानी कि 2300 किलोग्राम से भारी सैटेलाइट के विक्षेपण के लिए विदेशी विक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर आपका 14 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV के जरिए 104 सैटेलाइट, याद रखिए 104 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले इसरो ने 2016 में 120 सैटेलाइट विकसित किया था, जबकि विश्व में सबसे अधिक रूस ने वर्ष 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया था और भारत ने कितने, 104, ठीक। इस अभियान में भेजे गए 104 उपग्रहों में 3 भारत के थे, शेष 111 उपकरण इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। अब देखिए, अमेरिका भी हमारे यहाँ सैटेलाइट लॉन्च करवाता है, समझ सकते हैं आप लोग, कुछ तो होगा हमारे यहाँ, तभी तो कोई हमारे यहाँ आकर्षित हो रहा है, ठीक है। 25 सितंबर 2014 को भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान स्थापित किया। इसकी उपलब्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश था जिसने अपने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की है। यानी कह सकते हैं कि आपके गांव में 1000 लड़के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें कोई एक बार में कोई परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो आप पहली बार में परीक्षा पास कर जाते हैं तो आप में कुछ तो योग्यता होगी, समझ सकते हैं। तो इसी तरह भारत ने भी पहली बार में सफलता प्राप्त की इसमें। इसके अलावा यह अभियान इतना सस्ता था कि अंतरिक्ष मिशन की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म ग्रेविटी का बजट भी भारतीय मिशन से महंगा था, समझ सकते हैं। भारतीय मंगलयान मिशन का बजट करीब 460 करोड़ रुपए था यानी कि 6.70 करोड़ डॉलर, जबकि वर्ष 2013 में आई ग्रेविटी फिल्म का करीब 690 करोड़ रुपए था यानी कि 10 करोड़ डॉलर में बनी थी। यानी कि दूसरी जगह जितना मूवी बनती है जितने में, उतने हमारे यहाँ मंगल की यात्रा हो जा रही है, देखिए आप लोग।
फिर आता है 22 अक्टूबर 2008 को, इसरो ने देश का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। फिर आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की स्थापना की गई। कब? 1969 में। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बंगलोर में है। इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित किया गया। तो कई बार पूछ लेता है कि इसके जनक कौन थे, तो याद रखना विक्रम साराभाई। इसे भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसरो अपने विभिन्न केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। बात करते हैं भारत के लिए इसरो का महत्व क्या है। आखिर स्थापना के पश्चात भारत के लिए इसरो ने कई कार्यक्रमों का एवं अनुसंधानों को सफल बनाया है। इसने न सिर्फ भारत के कल्याण के लिए बल्कि भारत को विश्व के समक्ष सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश में दूर संचार, प्रसारण और ब्रॉडबैंड अवसंरचना के क्षेत्र में भी विकास के लिए इसरो ने उपग्रह संचार के माध्यम से कार्यक्रमों को चलाया। इसमें प्रमुख भूमिका निभाई इनसेट और जीसेट उपग्रहों की रही है। वर्तमान में भारत संचार सेवाओं के लिए 200 से अधिक ट्रांसपॉन्डरों का उपयोग हो रहा है। इन उपग्रहों के माध्यम से भारत में दूर संचार, टेलीमेडिसिन, टेलीविजन, ब्रॉडबैंड, रेडियो, आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव अभियान जैसी सेवाओं प्रदान कर पाना संभव हुआ है आपके लिए। भारत में इसरो की दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भू पर्यवेक्षण के क्षेत्र में रही है। भारत में मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, संसाधनों की मैपिंग करना, भू पर्यवेक्षण के माध्यम से नियोजन करना आदि के लिए भू पर्यवेक्षण तकनीक की आवश्यकता होती है। मौसम की सटीक जानकारी के द्वारा कृषि और जल प्रबंधन तथा आपदा के समय वक्त रहते बचाव का कार्य इसी तकनीक के द्वारा संभव हो सका है। भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी इस तकनीक द्वारा तैयार होती है। आप समझ सकते हैं कि आपका अभी जो अम्फान तूफान आया, तो इसके 4-5 दिन पहले हमें पता चल गया था कि तूफान आने वाला है, लेकिन आपने देखा होगा 2004 तक कई लोगों की, हजार लोगों की मौत होती थी जब भी कोई तूफान आता था। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ते गए, जिस तरह से हमें सुविधाएं मिलती गई, आजकल आप देखते हैं कि वन रिपोर्ट आती है तो एग्जिट आंकड़े हमें पता चल जाता है। लेकिन पहले सोचिए कि उससे पहले उपग्रह नहीं होते होंगे, सैटेलाइट, तो वनों की हमें कैसे पता चलता होगा, कैसे हम लोग इनकी जानकारी इकट्ठा किया करते होंगे, बहुत मुश्किल होता होगा। संसाधनों की मैपिंग। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र उपग्रह आधारित नौवहन है। नौवहन तकनीक का उपयोग भारत में वायु सेवाओं को मजबूत बनाने और इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए होता है। साथ ही वर्तमान समय में वायु आधारित सुरक्षा चुनौतियों भी कम नहीं है। इनको ध्यान में रखकर भारत में गगन कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत ने कुछ समय पूर्व भी इस कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया, जो 7 उपग्रह पर आधारित है। भारत ने वर्ष 2016 में IRNSS के नाम में परिवर्तन करके इसे नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन यानी कि नेविक कर दिया। बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी है भारत। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रगति की है और कई मामलों में साबित कर दिखाया है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश में वह पीछे नहीं है। अब कई देश भारत के पीछे पड़े आज से अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने लगे हैं। इनमें से ऐसे भी देश शामिल हैं जिनके पास उपग्रह प्रक्षेपण की उन्नत तकनीक है। भारत द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण इस बात का ज्वलंत उदाहरण। आप समझ सकते हैं भारत के
अमेरिका के पास सब कुछ सुविधा है, फिर भी भारत के यहाँ से क्यों भिजवा रहा है भारत अपने उपग्रह? क्योंकि कुछ तो फायदा होगा। ठीक है, इस तरह के उपग्रह प्रक्षेपण कारोबार में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रगति की एक उल्लेखनीय उपलब्धि मिशन शक्ति है। बात करते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम के समक्ष आखिर चुनौतियां क्या क्या हैं। भारत के पास एस्ट्रोनॉट नोट्स को प्रक्षेपित करने और मानव अंतरिक्ष उड़ाने के लिए लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीकियों का अभाव है। लॉन्च व्हीकल, लॉन्च क्रू मॉड्यूल, स्पेस कैप्सूल री एंट्री टेक्नोलॉजी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्पेस सूट आदि अभी विकास की प्रक्रिया में है। अगर हम लोग अंतरिक्ष में मानव को भेजते हैं तो हमारे पास ऐसी सुविधा तो होनी चाहिए जिससे उसे वहाँ जीवित रखा जा सके, समझ सकते हैं। तो गगनयान आपका करने से पहले आप सोचिए कि कितनी व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ी। पर आपका मंगलयान, मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की तकनीकी क्षमता बढ़ाने की हमें आवश्यकता होगी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV, जियो सेंकोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV दो भारतीय प्रेक्षण यान है जो उपग्रह मॉड्यूल को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए तैनात किए गए हैं, जो अभी तक मैंडेटेड शून्य विफलता वाले लॉन्च व्हीकल की सुरक्षा और अखंडता को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, जो अभी तक मैंडेटेड नहीं है। पर आपके अंतरिक्ष की आर्थिक उपयोग की संभावना क्या है? मौजूदा समय में विश्व की कई कंपनियां अंतरिक्ष की वाणिज्यिक दौड़ में शामिल हुई हैं। इन कंपनियों ने विश्व को अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग के लिए सोचने को प्रोत्साहित किया है। वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का आकार 250 बिलियन डॉलर है। इसके वर्ष 2025 तक बढ़कर 550 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। इस प्रकार अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, किंतु भारत का अंतरिक्ष उद्योग 7 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो वैश्विक बाजार का केवल 2% यानी कि 2% ही है। भारत के अंतरिक्ष उद्योग के आकार में ब्रॉडबैंड एवं DTH सेवाओं का हिस्सा करीब 2/3 है। इसरो के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2022 तक 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष भेजने के लिए गगन यान परियोजना को भी मंजूरी दी है। यह परियोजनाएं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के आर्थिक उपयोग की संभावना में वृद्धि करेगी। बात करते हैं निजी क्षेत्र की भूमिका क्या है इसमें। भारत में अंतरिक्ष के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका को सीमित रखा गया है। सिर्फ कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही निजी क्षेत्र की सेवाएं ली जाती रही हैं। इसमें उपकरणों को बनाना और जोड़ना तथा परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य अभी भी इसरो ही करता रहा है। यह ध्यान देने योग्य है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष क्षेत्र का संस्थान यानी कि नासा भी निजी क्षेत्र की सहायता लेता रहा है। मौजूदा समय में भारत में नवीन अंतरिक्ष से संबंधित 20 से अधिक स्टार्टअप मौजूद हैं। इन उद्यमों का दृष्टिकोण पारंपरिक विक्रेता आपूर्तिकर्ता मॉडल से भिन्न है। ये स्टार्टअप सीधे व्यापार से जुड़कर या फिर सीधे उपभोक्ता से जुड़कर व्यापार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। जिस प्रकार विभिन्न स्वतंत्र ऐप निर्माताओं को सीधे एंड्रॉयड या फिर एप्पल प्लेटफॉर्म में प्रवेश की अनुमति दी गई है, उसने स्मार्टफोन के उपयोग में क्रांति को जन्म दिया है। इस प्रकार अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को स्थान देकर इस क्षेत्र की संभावनाओं में वृद्धि की जा सकती है तथा यह भारत के दृष्टिकोण से भी लाभकारी होगा। तो ये कहानी थी आपकी भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था की। आशा करता हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब इसमें मिल चुके होंगे।